पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम फेसबुक के ऑनलाइन सेफ्टी सेंटर में से जितने भी फीचर्स हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहां पर आप ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से जुड़ते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। फेसबुक के ऊपर आप दोस्त बनाते हैं। अगर आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या कोई भी इंसान जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप पहले एक बार उस प्रोफाइल के ऊपर जाकर देख लें, क्या आप कभी उस इंसान से मिले हैं या फिर आपका कोई कॉमन फ्रेंड उनकी फ्रेंड लिस्ट में है। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उनकी पोस्ट अपनी न्यूज फीड पर देख सकते हैं। जिन लोगों के साथ आप दोस्त होते हैं आप ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करते हैं। आप पब्लिक फिगर्स और पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज को भी फॉलो कर सकते हैं चाहे आप उनके दोस्त ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे अनफॉलो की। जब आप किसी को अनफॉलो करते हैं तो उनकी पोस्ट आपकी न्यूज फीड पर आना बंद हो जाएगी, लेकिन आप उनके साथ फिर भी दोस्त बने रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अनफ्रेंडिंग के बारे में। अगर आप अपने फ्रेंड लिस्ट में से अपने किसी भी दोस्त को अनफ्रेंड कर देते हैं तो फेसबुक आपके उस दोस्त को नोटिफाई नहीं करेगा, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप उसको फिर से अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो आपने स्टार्टिंग में किया था। आपको फिर से अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉकिंग के बारे में। आप ब्लॉक करके भी अनफ्रेंड कर सकते हैं। एक बार अगर आप जब किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो ना तो आपको वो किसी पोस्ट में, किसी भी फोटो में और किसी भी वीडियो में आपको टैग नहीं कर सकते, और दूसरा किसी भी इवेंट के इनवाइट के लिए और किसी भी ग्रुप में ऐड करने के लिए वो आपको इनवाइट नहीं कर सकते। जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो आप उस इंसान की पोस्ट को भी नहीं देख पाएंगे। और सबसे खास बात, अगर आप किसी को ब्लॉक कर रहे हैं तो फेसबुक उसका नोटिफिकेशन उस इंसान को नहीं भेजता है। और सबसे आखिर में मेरा आपसे यही सवाल, अगर इस वीडियो से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। आपका धन्यवाद।